पहली बार सुना, जो यादव गरीबों की रक्षा कभी करता था, 20 गांव के एक एक कोई यादव नहीं बचा जिसकी जिसके घर में वो ना ढुका हो। पूरा का पूरा दियरा आज कल जाने के बाद बीएमपी पहुंचती है आज सुबह, और अग्रवाल एमएलसी इसके बदौलत 200 करोड़ की मिट्टी सरकारी जमीन में काट के लेके चला जाता है। लगातार आतंक, फिर गोली क्यों नहीं निकलती? मेरा बहुत क्लियर है, ऐसे अपराधियों को मरना चाहिए। जरूरत यदि सरकार ने यदि दियारा की आजादी के लिए लड़ाई नहीं लड़ा और न्याय नहीं दिया, तो हम मनिहारी से दियारा की आजादी मुंगेर तक पैदल जाएंगे। जिसकी जमीन होगी अधिकार उसी का होगा, जाति कोई हो, जिसका फसल हो काटेगा वही। हमने तो भैया कल, मैं पागल हो चुका कि पहली बार जाति पूछ करके मारना और घर ढुकना, ये दुनिया के हिस्ट्री में सामाजिक न्याय की गवर्नमेंट, महागठबंधन की गवर्नमेंट, गरीब दलितों की ए टू जेड की गवर्नमेंट बोलने वाले हम लोग, जब हम जो सबकी सुरक्षा करता है उसकी सुरक्षा नहीं कर पाइएगा नीतीश जी, मैंने कल कहा, तो फिर बचेगा कौन? यदि मोहन ठाकुर पर सरकार कार्रवाई नहीं होगा, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, दो ही बात हो। चैलेंज है मेरे लिए कि मैं आज आपको बता दिया, हम कानून हाथ में नहीं लेंगे लेकिन छोड़ेंगे भी नहीं, और जो गवर्नमेंट उसको मारेगी उसको 2 लाख इनाम देंगे। इस जब बाघ की हत्या हो सकती है, पागल हाथी की हत्या हो सकती है, तो फिर पागल आदमी की क्यों नहीं? जो आदमी इंसानियत के लिए खतरा हो उसको क्यों नहीं? किसी जाति को आप सूचक करके गाली कैसे दे सकते हैं? किसी जाति, कोई जाति, और जाति कह करके आप किसी के घर कैसे ढूंढ सकते हैं? 7 लाश नहीं मिली अभी तक, आज तक